दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेबल वेरिएबल मेथड्स के कुछ प्रॉब्लम्स। सो हमने देखा कि सेपरेबल वेरिएबल मेथड जो है उसकी ये फॉर्म होती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन इन फॉर्म ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाई। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन विच कंटेन्स एक्स एंड वाई बोथ वेरिएबल्स डिवाइडेड बाई द जी ऑफ एक्स ऑफ वाई द फंक्शन विच कंटेन्स द बोथ वेरिएबल्स। बट दीज टाइप्स ऑफ इन दिस टाइप ऑफ मैथड वी कैन सेपरेट एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। सो लेट्स डू दिस। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों की मीनिंग सेम है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। सो हमने देखा कि किसी भी इक्वेशन जो कि सेपरेबल वेरिएबल मेथड के थ्रू सॉल्व हो सके उसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, राइट द वेरिएबल ऑफ एक्स विथ डी एक्स एंड वाई विथ डी वाई। सो सॉल्व इट। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सो अब हम इस पर स्टेप वन अप्लाई करते हैं। स्टेप वन हमारा कहता है कि एक्स के वेरिएबल को एक्स के साथ डी एक्स के साथ सेपरेट करो, वाई को डी वाई के साथ सेपरेट करो। सो यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन गिवन है इसको अब हम सेपरेट करते हैं कि वाई स्क्वायर को डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और ये डी एक्स यहाँ पे डिवीजन में उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हमारा वाई स्क्वायर डी वाई बराबर होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स के। तो स्टेप वन हमारा मुकम्मल हुआ जो कहता था कि एक्स के वेरिएबल डी एक्स के साथ सेपरेट करो, वाई के डी वाई के साथ। सो स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू है हमारा अप्लाइंग इंटीग्रेशन और बोथ साइड। सो हम अप्लाई करते हैं इसमें इंटीग्रेशन बोथ साइड, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो अब हम इस पर इंटीग्रेशन दोनों साइड पर अप्लाई कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर हमें वाई की इंटीग्रेशन करनी, वाई पावर एन की इंटीग्रेशन करनी है तो वाई पावर एन की हमारी इंटीग्रेशन होती है वाई पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। सो हमारे वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर है तो ये वाई पावर थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री देन प्लस सी। सी क्या है, सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक। सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अवर जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है जो कि हमसे इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए कहा गया था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।